हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप सभी को। सो आज सुबह उठे, सबको मम्मी पापा से आशीर्वाद लिया, बच्चे हमारे सो रहे हैं अभी। लवकेश सुबह आया है और फरार हो गई। मैं हो गई लवमित के साथ फरार। लवमित हैप्पी न्यू ईयर। अरे गाइस को बोल दो। गाइस को क्या बोलना, हैप्पी न्यू ईयर गाइस। अभी ये बोले कि चलते को घुमा के लाता हूँ सुबह। हम दोनों निकल लिए घर से। कहाँ जा रहे पता नहीं। कहाँ जा रहे भी तो बता दो। ड्राइव लेने। लॉन्ग ड्राइव, मॉर्निंग लॉन्ग ड्राइव। हाँ यार, लॉन्ग ड्राइव तो कहाँ जाएगी, छोटे छोटे बच्चे हमारे। ठीक है तो फिर चले एक बार, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। खुश क्यों हो रहे हो? मैकडॉनल्ड्स। उड़ के जाओगे? उड़ी जाएगी, इसका बस ना चले तो ना भाभी। ओ गो गो विद योर डैडी। बहुत शैतान है ये लड़की, बहुत ज्यादा शैतान है। ये वाला पहले सिस्टम नहीं था ना? पापा जी बढ़िया। हाँ आप मुझे वो पिकाचू दे लाओगे? पिकाचू पापा जी, देखो पिकाचू। पिकाचू खा लेगी ये पिकाचू। क्या करोगे इसका? इसके अंदर तो बेटा कुछ पैक करते हैं तब मिलता है ये पिकाचू। पता नहीं हो गया पिकाचू वाले में चाहिए। ओके इसको बोलते हैं हैप्पी मील। हैप्पी पिकाचू। पिका पिका पिकाचू। आ पिकाचू मिल गया। ये इतनी रोई है ना, वहाँ पे कुछ छोटे छोटे पोर्ट्स रखे थे एंड शी सेड कि मुझे वो चाहिए। तो मैंने कहा नहीं बेटा रहने दो। वो छोटे छोटे पोर्ट्स होते जिनके अंदर प्लांट्स होते हैं, वो आर्टिफिशियल जो होते हैं प्लास्टिक के, वो इसको चाहिए थे। तो मेरे को क्या करेगी उनका, एक बात बताओ। लुक एट हर नाउ, मैकडॉनल्ड्स में आ गई और इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है ना पानी। ओहो हाँ जी, बर्गर ले लिया है मम्मी के लिए और पावनी, हम सब ने यही खा लिया था बैठ के। ठीक है लेट हो गई थोड़ा सा लेट तो कर, एक घंटा ही हुआ ना अभी तो। मैं कितनी देर हो गई? पता नहीं, दो घंटे लग रहा है। दो घंटे लग रहा है? अच्छा दो घंटे हो गए, डेढ़ बजे आए थे, साढ़े तीन बजे। 3:14 हो रहे हैं, 3:30 ही बज जाएंगे घर पहुँचते पहुँचते। इतना टाइम तो लग जाता है जब कहीं बाहर आते। तो बच्चों के लिए स्वेटर्स खरीद ली, बाय वन गेट वन ऑफर चल रहा था पावनी के लिए, बोली है तो स्वेटर लिए दोनों के लिए। पावनी की बोली है, विराज की एक ली है। स्वेटर अच्छी मिल गई तो मैंने कहा ले लूं, ठंड भी हो ही रही है। अब बच्चों के आने जाने की थोड़ा हो जाता है ना कि रेगुलर वेयर पर डालनी पड़ती है विराज के लिए, तो रेगुलर ना लूं तो फिर छोटी हो जाती है, तो फायदा क्या। इस वजह से ली है। एक मिनियंस की बड़ी क्यूट सी है, प्यारी सी है। पावनी की फेवरेट कलर है एक पिंक और एक ब्लू है, तो दोनों ही ले ली मैंने, है ना पावनी। दो लेगा ये पावनी? वही मैंने बोला, पावनी ने दो लिए, विराज की मैंने सिर्फ एक ही ली है। एंड स्टिल शी वांट्स टू बाय दैट, वेरी बैड। पापा जी आज चले शीतला माता के मंदिर पे? कल चलेंगे ना, कल हैप्पी न्यू ईयर है, सो टुमारो वी विल गो। कल दर्शन करिए ना। मैंने तो पहन लिए मेरे मैकडॉनल्ड्स के ग्लासेस जो हमें मिले। आपके कहाँ हैं? मेरे पिकाचू समाज है। देखो विराज को पहना के देखेंगे। अब विराज को क्यों नहीं लाए? सब विराज को पूछ रहे, विराज को क्यों नहीं लाए, अपने भाई को क्यों नहीं लाए। मैं कब विराज तो दुकान में संभाल लेता आ गया। है ना बाबनी? और अब आपने आप पिएगी न्यूट्रीलाइफ का दूध जो कि पावनी रोज पीती है, क्योंकि न्यूट्रीलाइफ से क्या होता है, यस बॉडी बनती है, इट्स वेरी न्यूट्रिशियस। इसमें सारे आपको विटामिन्स मिल जाएंगे, है ना, मिनरल्स मिल जाएंगे। फटाफट से मैं छान रही हूँ दूध, आप पी ले इसको। आ जाओ ये बच्चा, आ जाओ। बच्चे इतने शैतान होते हैं ना, बहुत ज्यादा। इसका कहने का मतलब है ये वो मेरे से आगे क्यों नहीं सोते, वो मेरे पास क्यों नहीं सोते। न्यू कार में घूम के आएगी? हाँ। घुमाऊंगा, अभी घुमाता हूँ। जब तक टीवी, इतना टीवी मत देखेगा तू, पर ठीक है। आई विल गेट यू वन न्यू साइकिल। ओके
ओ चाचू न्यू ब्लैंकेट तो देख लो। हाँ एलसाना क्या है, पहले थोड़े को एलसाना दिखाओ साहब। चाचू के एलसाना, इनको एलसाना नहीं पता, बताओ। चलाओ टीवी में अभी फ्रोजन लव केश, फ्रोजन मूवी। चलो बाद में देखेंगे, चलो है। भाई इसका घर डिगी हुई है, मम्मी ने चेक करी थी, दादाजी ने सिखाया था कैसे चेक करते हैं, तो उसकी है अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम ऊपर नीचे। बाकी अभी मम्मी उठा भी रही थी तो उसने नहीं उठवाई, कह रहा गुदगुदी हो रही है, मत उठाओ मेरे को, मत छेड़ो मेरे को, उसको इतनी ज़्यादा गुदगुदी हो रही, बार बार हंस रहा था। तो मम्मी कह रही तुम ही उठवाई हो, यहाँ तो तेरे बस की है नहीं। तो वो पता नहीं क्या दिया बता रहे थे, मम्मी दिया गर्म करके सुंडी पे रखते हैं और उसके ऊपर फिर ग्लास उल्टा रखते हैं और फिर से खिंचाव होता है, तो ऐसा कुछ है, तो वो करवा के आएगा ये। बाकी ये चला गया न्यू ईयर पार्टी करने अपना, हम अपनी पार्टी कर रहे हैं, लवित अपनी पार्टी कर रहे हैं, और उसको देख लो मस्त। गाइज ये हमने न्यू ब्लैंकेट निकाला है अपना, कैसा है कमेंट करके बता दो, और इसमें बेडशीट भी नहीं है। ये पामनी ब्लैंकेट कैसे डबल साइडेड है, एक साइड इसमें फ्लोरल प्रिंट है और दूसरी तरफ जो है ये प्लेन है, मतलब बॉक्सेस हैं, छोटे छोटे क्यूब्स बने हुए हैं। लेट लो तो भाई ये फ्लावर प्रिंट पर लेट रहे। मैंने विराज के लिए ना आलू पनीर की टिक्की बनाई थी और उस लड़के ने खाई नहीं, ये छोटी छोटी बनाई थी मैंने, बिल्कुल ननी ननी खाई नहीं उस लड़के, मतलब मीठा खिला लो भाई उसको, पर उसको नमकीन नहीं खाना। कैसा लड़का है, मैं इतनी मेहनत करके रोज़ कुछ कुछ कुछ, मैंने कहा देखा कुछ खाए खाए नहीं, वैसी चीज़ें खिला लो, मीठा रोटी वोटी खा लेगा, बट ये चीज़ें नहीं खाता। बताओ कोई गलत बात है ना, बच्चों को खाना चाहिए, वो नहीं खाते। ठीक है कोई बात नहीं, अभी हम बनाएंगे अपना खाना। चलो सो गाइस पावनी हो गई रेडी फॉर द न्यू ईयर, इसका ये न्यू स्वेटर लेकर आए थे हम, है ना पावनी। अरे देख लो मैकडोनल्ड्स के चश्मे अब लगा दिए। तो भाई हम पापा जी के साथ करने वाले हैं एक प्रैंक, यही प्रैंक। ओ पावनी आपको कुछ कहना था ना दादू को, बोलो। हैप्पी न्यू ईयर मेरी बेबी, आई लव यू, हैप्पी न्यू ईयर बेटो। पापा जी स्वेटर कैसी है इसकी? हैप्पी न्यू ईयर सेम सेम। अरे ये कौन सा चश्मा भाई? मैकडोनल्ड्स का। गूगल का चश्मा ये? मैकडोनल्ड्स का। उधर बर्गर खाया था। अच्छा बर्गर भी खा के आए हो आप? फ्रेंच फ्राइज मैंने नहीं खाया, करने रहते। ओके एक तो मोस्टली एक है। ओके माजी के साथ करें? माजी को तो पता ही है, चाचू के साथ करेगा। आज लेट्स सी चाचू जगह की नहीं जगह, आज चलो करते हैं। चलो रोटी पानी खाओगे? हाँ वो पानी आगे ना उसने बोला है, आवाज लगाओ नहीं तो और कब जाओगी फिर? भाई अब जा रहे हैं शीतला माता पे जय जय करने, तभी बहन की इसको पता है कि जा रहे हैं कहीं। चलो भाई चलो चलती हैं। पावनी इधर देखो जरा कहाँ जा रहे हो। गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके बताना आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। बाकी हमने बहुत सारी मस्ती करी, पाव भाजी पावनी खा ही रही है, माता के दर्शन बहुत अच्छे हुए थे, बहुत भीड़ थी, इतनी भीड़ थी मैं बिल्कुल फ्रंट पे पहुंच गई, लेकिन मैं वहां से आने के लिए यूँ लगा लो बहुत मुश्किल लगी, मेरी गोदी में विराज था। पापा जी मेरे को दोबारा लेने आए क्योंकि विराज गोदी में था, विराज दान पात्र के ऊपर घूम रहा था, मतलब पैर अपने चला रहा था, और इतना भीड़ था ना, मतलब मैं ऐसे खड़ी थी तो मैं हल्का सा यू भी नहीं हो पा रही थी, इतना ज़्यादा रश था। बाकी दर्शन बहुत अच्छे हो गए माता रानी के, शीतला माता के, और उसके बाद फिर हम घर आ गए, अपना खाना बनाया खाया, और अभी हम जाएंगे सोने के लिए। विराज ए करके आपको बोल रहा है हैप्पी न्यू ईयर। आपने अपने गाइस को हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोला आज, बोलो हैप्पी न्यू ईयर।
सो बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे आपसे जल्दी। लिंक जो है इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, मुझे वहां पर भी प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय, टेक केयर।